हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक फार्मूला देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। और इसको देखते हैं। जैसे एक फार्मूला इस तरह से है, एन वन टू इन टू एन टू वन, इसकी वैल्यू क्या होगी? वन होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये क्यों वन आता है। और एक तो ये फार्मूला याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, और दूसरा हम इसको समझें कि क्यों इसका प्रोडक्ट वन आया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि इस वीडियो के पहले मैंने एक वीडियो बनाया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड, और उसमें हमने इन सिंबल्स का मतलब समझाया है। तो अगर इन सिंबल्स का मतलब आपको नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो में जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो भी नहीं आपको आएगा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए आप मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड पिछला वीडियो देख लीजिए, तो आपको इन सिंबल्स का मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे एक बार मैं बता दे रहा हूं कि यहां एन वन टू का सेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ठीक है, मीडियम टू, ओके, एन वन टू का सेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। ओके स्टूडेंट, अब आओ देखें कि क्यों एन वन टू इन टू एन टू वन की वैल्यू वन क्यों हो जाती है। ठीक, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला आपको यह जानना चाहिए कि एन वन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, तो इसका फार्मूला होगा एन वन बाई एन टू। ठीक है, तो पिछला वीडियो जरूर मेरा देख लेना तो और अच्छे से आपको यह समझ में आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। तो एन वन टू एन वन बाई एन टू हो गया। तो यहां जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे एन वन टू की, तो यह आएगा एन वन बाई एन टू। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है? वन का। किसके रिस्पेक्ट में? टू के। तो जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है वो नीचे हो जाता है। ठीक, अब यहां ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका है? टू का। किसके रिस्पेक्ट में? वन के। तो जिसके रिस्पेक्ट में हम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिखते हैं उसको हमेशा नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एन वन। ठीक है, देखो यहां एन वन से एन वन कैंसिल, एन टू से एन टू कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? वन आएगी। ठीक, तो जैसे आपको इसके आधार पर अगर इस तरह से फार्मूला लिखना हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये देख रहे हैं आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में, फिर वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो इस फार्मूले को इससे मैच करो, वन का टू के रिस्पेक्ट में, टू का वन के रिस्पेक्ट में, ये इसका इनवर्स हो गया एक तरह समझो, तो इसकी वैल्यू फिर कितनी आएगी? वन आएगी। ठीक है, इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एन वन टू जो होता है, जैसे इसको जब इस तरफ ले आओगे वन की तरफ, इस क्वांटिटी को जब वन की तरफ लाओगे तो इसका इसमें वन में डिवीजन हो जाएगा, तो एन वन टू जो होगा वो आएगा वन अपान एन टू वन। तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल है। तो इस फार्मूले को आप ध्यान में रखोगे, इससे आपको न्यूमेरिकल लगाने में सुविधा होगी। ओके स्टूडेंट।